इसके बाद सुबह हो जाती है और हरखू जाग जाता है। इसी दिन 12 बजे उसकी ट्रेन थी, इसलिए नहाने धोने के बाद वह अपनी पैकिंग में लग गया। इसके बाद भोजन करके वह रास्ते के लिए थोड़ा बहुत भोजन रख कर लगभग 10 बजे अपनी पत्नी के साथ स्टेशन के लिए निकल जाता है। स्टेशन पहुंचने के थोड़ी देर बाद ट्रेन आ जाती है। वह दोनों अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं। शाम के समय ट्रेन में जब भोजन करने के लिए टिफिन से खाना निकालते हैं तो उसमें पूड़ी और आलू टमाटर की भुजिया सब्जी तथा 2 मिर्च और 1 नींबू रखा रहता है। वह दोनों आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी के साथ बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती है और आज का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। भोजन करने के बाद जब वे पानी में डालने के लिए नींबू काटते हैं तो नींबू काटने पर यह लाल रंग का हो जाता है, जिसे देखकर वह दोनों चौंक जाते हैं और नींबू खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन सुबह वे मुंबई स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां से टैक्सी करके अपने क्वार्टर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सफ़र में थके होने के कारण वे दोनों सो जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद फूलमती की सहेली के लड़के का जन्मदिन रहता है, वह उसके घर चली जाती है। हरखू से बता देती है कि मैं थोड़ी देर रात घर वापस आऊँगी। हरखू घर में अकेले भोजन करने के बाद टेलीविज़न देखता रहता है। तभी उसे छत से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हरखू टेलीविज़न बंद कर देता है और छत की तरफ बढ़ता है, मगर उसका पैर डर की वजह से कांपता है और वह पास में रखे हुए एक गमले से टकरा जाता है, जिससे गमला गिर जाता है। जब वह आगे बढ़ता है तो किचन से गिलास के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। हरखू किचन की तरफ देखता है, वहाँ किसी की परछाई उसे दिखाई देती है। हरखू आवाज़ लगाता है, कौन है कौन है, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे ही वह किचन में उसको देखने के लिए जाता है, वैसे ही वह परछाई गायब हो जाती है। किचन में उसे टमाटर और आलू कटे हुए मिलते हैं, जैसे कोई भुजिया सब्जी बनाने की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद हरखू किचन से बाहर निकलता है और डरते हुए छत के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है।